लगातार कमियां बनी रहती है, अभाव से ग्रसित है जीवन। एक चीज खरीद कर लाते नहीं, दूसरी चीज खत्म होने की सूचना कानों में मिल जाती है। अब मालिक है घर के, अच्छा खासा कमाते हैं, परंतु आपका घर चलता ही नहीं। इतना पैसे का बजट कैसे भाग गया, इतना खर्च कैसे हो जाता है घर में कि बस अभाव ही अभाव का प्रभाव दिखता है। पैसे ना है आपके पास, ना भविष्य में रहेंगे, ऐसा संभावना आपको लगता है। मैं पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब हूँ और हमेशा गरीबी रहूंगा, ऐसा आशंका आपको लगती है कि मैं आखिर धनवान कैसे बनूंगा, मैं आखिर करोड़पति कैसे बनूंगा। मैं जितना धन कमाता हूँ महीना भी चलता नहीं है, खत्म हो जाता है। घर का बजट बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, कैसे चलेगा ये। पत्नी सुबह से ही चिल्लाना शुरू करती है आप पर, यह ला देना वह ला देना, तुम सकते नहीं हो, तुमसे घर नहीं चलता, तुम बहुत कम कमाते हो, कुछ और क्यों नहीं करते। बच्चों की तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। मुझे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इस जमाने के अनुसार आपको अपने बच्चों को सुविधाएं भी देनी है। घर पुराना हो रहा है, मरम्मत करवानी है, नया घर लेना है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी पुरानी हो गई, बिजली का बिल इतना आ रहा है। मतलब घर में यदि आर्थिक रुपये की तंगी लगी रहती है। इस बीच तुमने जब भी प्रयास किया कि मैं अपने एक आय के साथ दूसरे आय को जोड़ दूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे कुछ आय की प्राप्ति हो, नहीं हो पाया और पैसे भी डूब गए। यदि इस बीच तुमने लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्ट करने की सोची, वह भी डूब गया। मतलब हमेशा कुल मिलाकर सारी बातें रुपये पर आ जाती है। तुम्हारा झगड़ा नहीं होता किसी के साथ, ना तुम्हारा मंगल खराब है, संबंध विच्छेद नहीं होता किसी के साथ, तुम्हारा शनि भी खराब नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है तुम्हारा। तुम जहाँ भी जाते हो पॉजिटिविटी फैलाते हो, अच्छे से इंसान हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे कदम भारी है, कुछ दुर्भाग्य है, नहीं, यानी शनि भी नहीं बिगड़ा हुआ है। पर तुम ये जानते हो कि रुपये की तंगी तुम्हें पहले भी थी, रुपये की तंगी अभी भी है और आगे भी रहने वाली है। अर्थात अभाव जब हो, धन की कमी जब हो, तब कौन सा ग्रह कारक है। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष सिखा देती हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी सी भी जानकारी कभी कभी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। जब धन रुपये संबंधी केवल अभाव ही अभाव जीवन में नजर आए, तो यह शुक्र ग्रह कारक होता है। यह कारक शुक्र गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी है, कार है। शुक्र ही लव है, रिलेशनशिप है, प्रेम है, विवाह है। शुक्र ही धन है, कैश का फ्लो है। तो आज बात शुक्र पर कर रही हूँ कि क्या हम कोई एक ऐसी छोटी सी चीज है जो अपने शरीर पर, अपने बालों पर या हाथों पर कहीं लगा कर अपने जीवन के ये जो आर्थिक तंगी है, ये जो धन से जुड़ी समस्या है, इसका निवारण कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है। आज मैं आपको एक हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, आसान सा, परंतु यह चमत्कारिक है। केवल इसे अपने बालों में लगाना है। देखिए, चेहरे पर लगाने से ग्रह बदल जाते हैं, हथेली दूसरे ग्रह को सूचक होती है, पैर के तलवे किसी और ग्रह को सूचित करते हैं। हमारे बाल, मैंने कहा ना, शुक्रवार को बाल जरूर धोया कीजिए। जो गंदगी है बाल में, उसे धोकर शुक्रवार के शुक्रवार यदि कोई भी बहने, कोई माताएं, कोई मेरे भाई हटाना शुरू करते हैं, तो समृद्धि उसके पास आना शुरू होती है। और शुक्रवार को ही आपको यह तेल बनाकर, ये जो मैं जादुई समृद्धि वाला तेल, माता लक्ष्मी को प्रिय तेल बनाने सिखा रही हूँ, इसे अपने बालों पर लगाओ। फिर शनिवार को धो देना चाहो तो, परंतु शुक्रवार के शुक्रवार केवल इस ऑयल का अपने सर पर छिड़काव करने मात्र से कहाँ कहाँ से धन आने लगेंगे, कैसे कैसे तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे। ये जो कमी है ना, अभाव है, सुबह से तुम अभाव जो देखते हो, यह अभाव दूर होने लगेगा, कमी तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगी। सब कुछ अद्भुत रूप से जुड़ जाएगा तुमसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी अवस्था जरूर मुझे बताएं। यही वो मंत्र है जो जीवन से यदि जोड़ लेते हैं आप,
सुख समृद्धि शांति जुड़ जाती है आपसे, कोई बाधा नहीं आएगी आपके आड़े, कभी भाग्य नहीं खराब होगा, दुर्भाग्य आपके मार्ग से हट जाएगा, धन ही धन की बरसात होगी, बन जाएंगे आप करोड़पति। जपा कीजिए ओम नमः शिवाय। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ, वह भी छोटा और पैसे की बर्बादी में। किसी को पैसे नहीं देने, अभी पैसे नहीं है ना आपके पास ज्यादा, अभी किसी को पैसे नहीं देने, करोड़पति बन जाओगे फिर बांटना। मेरे तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया जाता, मेरे सारे भाई बहनों के लिए मेरे सारे वीडियोस मुफ्त है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वह भी निशुल्क। एक सीसी चमेली के तेल का ले लें। चमेली के तेल की जो छोटी सी सीसी आपने ली है, इससे इस तेल को आप किसी बड़े डिब्बिया में डाल दें। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। थोड़ा सा हरा सौंफ ले लें, बुध एक जिसमें कोई चीज कूटते हैं ना पीसते हैं उसमें डाल दें। सात हरी इलायची ले लें, उसके दाने छुड़ा लें, उसके सारे दाने डाल दें इसी में। थोड़ी सी करी ली, कड़ी पत्ता, सब्जी बनाने के लिए जो कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, वो सात पत्ते ले लें, नौ पत्ते ले लें, ग्यारह पत्ते ले लें, तोड़ लें, डाल दें इसमें। इन तीनों चीजों को और कुछ आपको नहीं लेना, हरी इलायची, हरा सौंफ और हरी कड़ी के पत्ते, इन तीनों चीजों को बिल्कुल पीसिए, कूटिए, मिलाइए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाने का प्रयास कीजिए। अब इलायची और जो सौंफ है वो तो पाउडर हो जाएगा, कड़ी पत्ते भी चटनी बन जाएंगे कूट कूट कर, है ना। अब इन सारी चीजों को आप चमेली के तेल वाले चीज में डाल दीजिए, उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना इसको। तेल तैयार हो गया आपका। केवल शुक्रवार के शुक्रवार अपनी इन पांच उंगलियों का प्रयोग करके, ऐसे पांच उंगलियों का प्रयोग तेल में करके अपने बालों पर इसे लगा लीजिए, अंदर ही अंदर, जड़ में, पूरे बालों में लगाने की जरूरत नहीं, जड़ में बड़े अच्छे से इन तेलों को लगाए, सो जाए। अगले दिन आपको धोना है धो लीजिए, शैम्पू लगाना लगा लीजिए, हर शुक्रवार को कीजिए, हर शुक्रवार को। जब ये करें उस वक्त महसूस करें कि धन की बारिश हो रही है मेरे ऊपर, बहुत सारा धन आ रहा है मेरे पास। धन को आकर्षित करने का प्रयास कीजिए, ये ग्रहों को शांत करने के लिए, शुक्र को प्रबल करने के लिए मैंने बताया। इसे जब अपने बालों में लगाएंगे तो ठंडक सी महसूस होगी, माता लक्ष्मी को जब नमन करें, धन को आकर्षित करें। और शुक्रवार के शुक्रवार ये करो ना, तीन शुक्रवार, पांच शुक्रवार, सात शुक्रवार करो ना। कोई खर्च नहीं है इसे करने में, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र नहीं है, केवल इतना करने मात्र से आप प्रथम हफ्ते में ही देखेंगे कि ये तो धन का अभाव है, कमी है, कमी है, ये तो शब्द है, ये खत्म हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सात शुक्रवार करते करते आप हैरान कर देने वाले परिणाम देखेंगे, आपको कहाँ कहाँ से धन आने के मार्ग नजर आने लगेंगे, स्रोत बढ़ता चला जाएगा, धनवान हो जाएंगे आप, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।